आज हमने मार्केट जैसा टेस्टी और कुरकुरे प्याज के पकोड़े बनाए हैं। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े और चाय मिल जाए तो बारिश का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं टेस्टी और कुरकुरे प्याज के पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए हमने दो प्याज लिया है, एक बड़ा प्याज है और एक मीडियम साइज का प्याज है। इसके स्लाइस कर लेंगे। ऊपर से ये प्याज का कड़क हिस्सा निकाल लेंगे। इस तरह से प्याज का ऊपर का ये हिस्सा निकाल लेना है। इस तरह से लंबी स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस हमें ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी है। इस तरह से मीडियम स्लाइस करेंगे। प्याज की हमने स्लाइस कर ली है। इसके अंदर मसाले डाल देंगे। एक टीस्पून नमक या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसे थोड़ा हाथ से मसल लेंगे। इस तरह से थोड़ा दबा के इसे मसल लेंगे तो प्याज का पानी जो है वो छूट जाएगा और प्याज की स्लाइस भी अलग अलग हो जाएगी। 1/4 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधी टीस्पून अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। इस तरह से अजवाइन डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रफली कुटा हुआ साबुत धनिया, आधा कप हरा धनिया को हमने मोटा चॉप किया है, इसे बारीक चॉप नहीं करना है, 2 हरी मिर्ची का लंबा पीस करके लिया है और 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट है। मसाला सब मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स हो गया है, इसमें बेसन डालेंगे। आधा कप बेसन लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। दो टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से पकोड़ा एकदम क्रिस्पी बनता है, तो आप इसे जरूर डालें। बेसन हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बाइंडिंग के लिए जितना आए उतना ही बेसन डालना है। एक टेबलस्पून पानी डालेंगे। बराबर से हमने बेसन मिक्स किया है। बेसन हमने ज़्यादा नहीं डाला है, आप देख सकते हैं प्याज दिख रहा है। हमने आधा कप फुल भर के बेसन लिया था, इसमें से हमने इतना बचाया है, ये हमें नहीं डालना है। ये 1 टेबलस्पून जितना बेसन है। पकोड़ा का बैटर रेडी है। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है, ये गरम हो गया है। तेल हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम ही करना है। पानी वाला हाथ कर लेंगे और इस तरह से हल्के हाथ से बैटर लेके तेल में छोड़ देंगे। तेल में पकोड़ा डालते टाइम गैस की फ्लेम हमें धीमी रखनी है। मीडियम फ्लेम पे पकोड़ा को फ्राई करेंगे। तेल में बबल्स आना थोड़ा बंद हो गया है, इसी टाइम पे हम पकोड़ा को चलाएंगे। पकोड़ा को हम उलट पलट के फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से एक जैसा कलर का फ्राई हो जाए, सभी जगह से एक सरखा ये फ्राई हो जाए। पकोड़ा को हम लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेंगे। इस तरह से पकोड़ा फ्राई कर लेंगे। तेल में पकोड़ा डालें तभी गैस की फ्लेम हम धीमी कर लेंगे। पकोड़ा कितना क्रिस्पी बना है आप देख सकते हैं। एकदम टेस्टी और कुरकुरे प्याज के पकोड़े बनके रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए।